Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, today I'm going to discuss your test E6 pronoun ka test hai. Aur is test mein sabse pehle aapke 10 MCQs hain. Statement number 1. The gigantic yellow hat looked ludicrous. Muzahika khiz lagta tha on man's tiny head. To hume pata chala ki jo tiny head hai, chota sa sar hai, uske upar itna bada hat jo hoga, definitely that would look ludicrous, ajeeb lagega. Knick-knack ka matlab hota hai, mukhtalif iqsam ki cheezein. और menaced का मतलब खौफ का शिकार और मिनिमम कम से कम. स्टेटमेंट नंबर 2. आफ्टर द स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म के बाद, तेज तूफान के बाद, द वंस स्ट्रॉन्ग ट्री लिम्स आर नाउ लिम्प. अब वो लंगड़ा रहे थे, लटके हुए थे, यानी कि टूट फूट का शिकार होने के बाद वो स्टेबल नहीं थे, स्टैटिक नहीं थे. तो राइट ऑप्शन अल्फा. और बाकी अल्फाज के मतलब मीन का मतलब अगर वर्ब लेंगे तो कुछ मतलब देना, और अगर वैसे मीन का मतलब एज एन एडजेक्टिव लेंगे तो उसका मतलब कमीना हो जाएगा. मिनिएचर कहते हैं स्मॉल को, और ludicrous कहते हैं मुजायका खेज को. स्टेटमेंट नंबर 3. द स्टूडेंट्स विल मस्टर, डेल्टा राइट ऑप्शन, इन द हॉल सो एज टू लिसन द स्पीच ऑफ देयर प्रिंसिपल. जमा होना, इकट्ठे होना, स्टूडेंट जो हैं वो हॉल में इकट्ठे होंगे ताकि वो अपने प्रिंसिपल की स्पीच को सुन ले. डेल्टा इज राइट ऑप्शन. मीडिएट, अल्फा का मतलब है आपस में सुलह करवाना, इरिटेट परेशान करना, और मेडिटेट का मतलब गौर वफोज करना, सोच विचार करना, या आमतौर पर इबादत करना. स्टेटमेंट नंबर 4. बिकॉज वी हैवन डन आवर लॉन्ड्री इन सेवरल डेज, अ मैस ऑफ क्लॉथ्स सैट वेटिंग इन द लॉन्ड्री रूम. चार्ली इज द ऑप्शन. मैस, बहुत बड़ा ढेर, बहुत ज्यादा ढेर. अल्फा में जुविनाइल का मतलब होता है नॉन सीरियस, जस्ट लाइक इमेच्योर चिल्ड्रन. मैनस फॉफ को कहेंगे, निकर्स शॉर्ट्स को कहेंगे. स्टेटमेंट नंबर 5. माउंटिंग द ग्रेडियंट्स ऑफ द मरी हिल्स. अब मरी हिल्स में आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे हैं, ग्रेडियंट्स, ठीक है ना. तो माउंटिंग द ग्रेडियंट्स ऑफ मरी हिल्स वॉज वेरी हैक्टिक बिकॉज ऑफ द सॉगी लैंड, ठीक है, नमी वाली जमीन थी. तो बीटा इज राइट ऑप्शन. मैसिंग जमा होना, माउल्ड ढालना, मीडिएटिंग का मतलब आपस में सुलह सफाई करवाना. सो द राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 में बीटा ऑप्शन. स्टेटमेंट नंबर 6. द प्ले ग्राउंड प्रेजेंटेड द सीन ऑफ नॉजियस एज 50 स्टूडेंट्स जंप्ड एंड क्लाइम्ड ऑल ओवर द इक्विपमेंट. नॉजियस, बुरा लगने वाला, अच्छा ना लगने वाला, बीटा ऑप्शन, क्योंकि सब ने ऊपर जो था वो छलांगें लगा दी थी. नेटिव मुकामी, अल्फा में नेटिव का मतलब मुकामी, सी नाइव भोला भाला मासूम, और मेहम दरम बरम कंडीशन, आमतौर पर जलजले के बाद, किसी बम के डिस्फोट होने के बाद, तबाही होने के बाद. तो इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो नंबर 6 का बीटा होगा. 7. स्टेटमेंट नंबर 7. बिकॉज ही टेंड्स टू डैश, क्लाइंट्स ऑफन हैव टू आस्क द बैंकर टू रिपीट हिमसेल्फ. अब यहां पर ऑप्शन आपके पास है मंबल, वेन, इम्परसेप्टिबल एंड ग्रोगी. तो मंबल, जो बंदा मुंह में बुड़बुड़ाता है, ऑब्वियसली उसी को ही कहा जाता है कि प्लीज़ दोबारा बोल दें, आपकी बात समझ नहीं आई. तो अल्फा इज राइट ऑप्शन. वेन का मतलब रायगान चले जाना. इम्परसेप्टिबल, विच कैन नॉट बी परसीव्ड, जिसका अदराक ना किया जा सके. एंड ग्रोगी, वेरी मच वॉर्न आउट, थका हारा, ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी, वीक, अनएबल टू स्पीक और मूव, वो ग्रोगी होगा. निढाल, खालस उर्दू आपकी. स्टेटमेंट नंबर 8. Della's hair reached below her knee. It almost made itself into. जब भी आप चेंज की बात करें किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म की तरफ, तो वो into आएगा तब्दीली के लिए. तो alpha is right option. Statement number 9. Dash, it had been someone else. I could easily have bangled 10 rupees. आपका conditional, if की जगह पे अगर आप dependent clause का had पहले ले आएंगे तो वो if का मतलब देगा. Had it been someone else, Charlie option. ठीक है, या तो आप यूं लिख सकते हैं, इफ इट हैड बिन समवन एल्स. आप इफ नहीं लिखना चाहते, हैड को सेंटेंस के शुरू में करें तो वो आपको इफ का मतलब देगा. सो द राइट ऑप्शन इज चार्ली. नेक्स्ट आपके पास स्टेटमेंट नंबर 10 है. देयर वर सम हुम ही फाउंड सूटेबल. मैंने आपको प्रोनाउन के रूल्स में भी ये लिखवाया था कि हुम के फौरन बाद सब्जेक्ट आता है और हु के फौरन बाद वर्ब आता है. तो यहां पे ही सब्जेक्ट है, अंडरस्टूड है कि हुम आएगा. इट्स बीटा ऑप्शन. स्टेटमेंट नंबर 11. डेल्टा इज राइट ऑप्शन. व्हेन अली एंड आई गॉट इनटू बिल्डिंग
We went to the person on the desk in the reception area. He could tell us where to go. Alpha mein ab jo aapki galti hai wo sun lein. When Ali and I got into building, we went to the person on the desk in the reception area. They could likha hua hai. To he aana chahiye kyunki person ek hai, pronoun ki galti alpha mein. Beta mein when Ali and me, Ali and I aana chahiye. Verb se pehle subjective case hota hai. Beta isliye galat hai. Charlie, when I and Ali, हमेशा थर्ड पर्सन पहले और फिर फर्स्ट पर्सन आएगा, तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन डेल्टा. क्वेश्चन नंबर, स्टेटमेंट नंबर 12, डेल्टा इज राइट ऑप्शन. ईच एंड एवरी वन ऑफ द फ्लावर्स हैज आएगा. पहली बात तो ये है कि ईच या एवरी जब भी आएगा वह आपका सिंगुलर, डेल्टा ऑप्शन. इट्स ओन कलर, फ्लावर है तो ओन कलर आएगा. चार्ली भी देखते हैं. ईच एंड एवरी वन ऑफ द फ्लावर्स हैव लिखा हैव की गलती. बीटा की तरफ आ जाएं. ईच एंड एवरी वन ऑफ द फ्लावर्स हैज देयर लिखा हुआ है, इट्स आना चाहिए था. और अल्फा में इट्स में अपोस्ट्रॉफी की गलती है, अपोस्ट्रॉफी नहीं आना चाहिए था. देयरफॉर 12 में आपका डेल्टा राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 13, राइट ऑप्शन डेल्टा. योर नेम वॉज स्पेल्ड करेक्टली इन द कॉपी वी गेव टू द प्रिंटर, सो द मिस्टेक वॉज डेफिनेटली देयर्स नॉट आवर्स. तो देयर्स नॉट आवर्स, पहली बात है देयर्स आवर्स के साथ अपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाना. ये सबसे बड़ी आप देखिएगा कि ऑप्शंस हैं. अब सबसे पहले ऑप्शन में देखें क्या गलती है. योर नेम वॉज स्पेल्ड करेक्टली इन द कॉपी वी गेव टू द प्रिंटर्स, सो द मिस्टेक वॉज डेफिनेटली देयर नॉट आवर. देयर्स और आवर्स आना चाहिए था, क्योंकि देयर अगर आप लगाते हो और सिंपल आवर लगाते हो तो उसके बाद आपको नाउन लगाना पड़ेगा. तो अल्फा में ये गलती, बीटा में आ गया. योर नेम वॉज स्पेल्ड करेक्टली इन द कॉपी वी गेव टू द प्रिंटर, सो द मिस्टेक वॉज डेफिनेटली देयर नॉट आवर्स. देयर्स आना चाहिए था. और जो चार्ली है उसमें बेटा जी आपने देयर्स लिखा है, आवर्स ने लिखा. तो पोजेसिव केस जिसके बाद नाउन नहीं आता, आप फिक्र के आखिर में जब लिखते हैं तो एस लगाना ज़रूरी है, लेकिन उसमें अपोस्ट्रॉफी आप नहीं लगाएंगे. स्टेटमेंट नंबर 14 के अंदर आपका राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर डेल्टा है. स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं कि ऑल आवर लगेज अराइव बट अदर केसेज डिड नॉट, द एयरलाइन प्रोमिसज दे विल बी हियर दिस इवनिंग. आपका राइट ऑप्शन डेल्टा. अदर्स नहीं आना चाहिए, अपोस्ट्रॉफी नहीं आना चाहिए. जैसा कि चार्ली को अगर आप देखें तो उसमें अपोस्ट्रॉफी ऐसा है, अदर्स की गलती. अगर आप बीटा देखें तो उसमें अदर्स लगा के अपोस्ट्रॉफी एस बाद में लगाया और अदर्स केसेज नहीं आएगा. अदर इज एन एडजेक्टिव, जब अदर एडजेक्टिव है तो बेटे उसके साथ एस किसी सूरत में नहीं आएगा. अल्फा बीटा चार्ली में एस लगा हुआ है. राइट ऑप्शन डेल्टा. स्टेटमेंट नंबर 15, फ्रॉम इनसाइड हिज कोट जिम टुक समथिंग टाइड इन पेपर. टाइड इन पेपर, राइट ऑप्शन आपका चार्ली. अल्फा में गलती विद की, पेपर के साथ नहीं बंधी हुई थी, पेपर में रख के उसको लपेटा गया था, टाइड इन पेपर. तो अल्फा में विद की गलती, बीटा में फ्रॉम की गलती और डेल्टा में ओ डबल एफ ऑफ की गलती. स्टेटमेंट नंबर 16, राइट ऑप्शन डेल्टा. शी हैड लुक्ड एट देम विदाउट द लीस्ट होप ऑफ ओनिंग देम. लीस्ट होप ऑफ प्रेपोजिशन की गलती है. चार्ली में बाय नहीं आना चाहिए, बीटा में अबाउट नहीं आना चाहिए और अल्फा में फॉर नहीं आना चाहिए. 16 में आपका डेल्टा राइट ऑप्शन. जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 18, इसमें आपका राइट ऑप्शन डेल्टा होगा. और ये बड़ी आपके लिए शॉकिंग न्यूज़ होगी कि नॉट भी आ गया और सो नहीं आया. उसकी वजह ये है कि आगे अगर इनफ्लेक्सिबल की बजाय फ्लेक्सिबल का वर्ड होता तो फिर मैं नॉट सो लगाता. इन नेगेटिव प्रीफिक्स है, नॉट भी नेगेटिव है. नेगेटिव नेगेटिव क्या होते हैं, पॉजिटिव. तो इसकी वजह से हम एज लगाएंगे, सो नहीं लगाएंगे. राइट ऑप्शन डेल्टा. चार्ली में आपने लगाया है नॉट, उसकी वजह से गलती हो गई. बीटा में जो गलती है, वी आर नॉट एज इनफ्लेक्सिबल इन आवर डीलिंग्स एज दे आर, गलत हो गया दोबारा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टेटमेंट नंबर 18, योर राइट ऑप्शन इज चार्ली. वी आर नॉट सो इनफ्लेक्सिबल इन आवर डीलिंग एज दे आर, क्योंकि जब भी नॉट आएगा तो हम उसके साथ सो लगाएंगे. डेल्टा में जो गलती है बेटा जी, वो एक तो देम की है, एज दे आर आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस आना चाहिए था. जो आपका बीटा है उसमें एज की गलती है.
और अल्फा में भी देम और एज की गलती है, तो सो आना चाहिए नॉट के साथ. योर राइट ऑप्शन इज चार्ली. 19 ऑप्शन स्टेटमेंट पढ़ते हैं. द इनटेक ऑफ टैलेंटेड इंजीनियर्स इन द कंपनी हैज मेड इट स्ट्रॉन्ग. चार्ली इज राइट ऑप्शन. आपका सब्जेक्ट है द इनटेक ऑफ टैलेंटेड इंजीनियर्स. ये पूरी फ्रेज एक सब्जेक्ट के तौर पे काम करती है, एक आइडिया देती है, जिसकी वजह से वर्ब हमारा सिंगुलर होगा, आर नहीं आना. ठीक है जी, तो राइट ऑप्शन चार्ली होगा. अल्फा में देखते हैं क्या गलती है. द इनटेक ऑफ टैलेंटेड इंजीनियर्स इन द कंपनी हैज मेड देम स्ट्रॉन्ग. ठीक है ना. अब बात यह है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, द इन टेक ऑफ द इंजीनियर्स. इंजीनियर हमारा सब्जेक्ट नहीं है, इंजीनियर्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है. हमारा तो इनटेक भर्ती करना, तो भर्ती करने के लिए प्रोनाउन हम देम हिम नहीं लगाएंगे, इट लगाएंगे. इसलिए हमने किया चार्ली ऑप्शन. अल्फा में बेटे देम की गलती, गलत प्रोनाउन है. बीटा में हिम स्ट्रॉन्ग की गलती है और डेल्टा में हर स्ट्रॉन्ग की गलती है. हमारा सब्जेक्ट वर्ड है भर्ती, द इनटेक, सो देयरफॉर इट प्रोनाउन आएगा. 20 के अंदर आपका बीटा राइट ऑप्शन है. द एडमिनिस्ट्रेशन इज पुटिंग ऑल इट्स एफर्ट्स. अब इट्स में अपोस्ट्रॉफी नहीं आएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे है. टू रिकवर द इलिसिट ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड्स. तो अल्फा में बेटा गलती है अपोस्ट्रॉफी एस की, ठीक है ना. चार्ली में गलती है देयर की और डेल्टा में गलती है देयर्स की. इट्स क्यों आना है, एडमिनिस्ट्रेशन इज पुटिंग. एडमिनिस्ट्रेशन इज सिंगुलर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, उसके लिए नॉन ह्यूमन नॉन जेंडर के लिए हम प्रोनाउन जो है वो इट्स यूज करेंगे. तो 20th के अंदर आपका राइट ऑप्शन बीटा. 21 डेला हेल्ड द वॉच चेन इन हर हैंड एंड सिट नियर द डोर वेयर ही ऑलवेज एंटर्ड. अब यहां पे आपका जो राइट ऑप्शन है, जो एरर हमने स्पॉट की है, वो है बीटा. डेला हेल्ड द वॉच चेन इन हर हैंड्स आना चाहिए था, बीटा इज राइट ऑप्शन. 22 मारिया एंड अमार हैड गिवन ईच अदर. दो लोगों के लिए बेटे वन एंड अदर नहीं होता. अल्फा आंसर है 22 में. 23 जेम्स डिलिंगहम यंग्स वर वेरी प्राउड ऑफ टू थिंग्स विच दे ओन्ड. डेल्टा ऑप्शन, चूंकि डिलिंगहम यंग्स एन अफराद की बात हो रही है, तो इसलिए हम यहां पर डेल्टा ऑप्शन दे ओन्ड लिखेंगे. डेल्टा ऑप्शन. 24 इफ द क्वीन हैड लिव्ड इन द रूम्स नियर देयर्स, बीटा ऑप्शन. नियर देयर्स, देयर्स का मतलब नियर देयर रूम्स, बीटा ऑप्शन. 25 स्टेटमेंट है. He along with the competent young men was demanding his rights. अब जब आप with से पहले he को काउंट करते हैं, उसके मुताबिक वर्ब आप सिंगुलर लगाते हैं, तो इसका मतलब प्रोनाउन भी सिंगुलर. 25 में आपका राइट ऑप्शन डेल्टा. 26 My neighbor and my friend gave me pieces of advice that I should follow their footsteps. दो लोग हैं ना, my neighbor and my friend, दो determiner हैं. नेबर के लिए माई लैदा, फ्रेंड के लिए माई लैदा. अगर आपका वो नेबर और दोस्त दोनों पोजीशंस रखता तो फिर एक दफा हम लिखते माई नेबर एंड फ्रेंड. अब है माई नेबर एंड माई फ्रेंड, इसका मतलब दो लोग हैं, तो इसलिए हमें देयर डेल्टा में लिखना पड़ेगा. 27 लेट यू एंड हिम, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, बीटा ऑप्शन. 28 हर पॉइंट ऑफ व्यू टू मैनेज द थिंग्स बाय हरसेल्फ इज बेटर देन. अब पॉइंट ऑफ व्यू एक है, एक पॉइंट ऑफ व्यू को एक के साथ, देन दैट ऑफ आयशा. तो इसलिए आप कंपेरिजन में पैरेललिज्म काउंटिंग की भी रखेंगे कि हर पॉइंट ऑफ व्यू टू मैनेज द थिंग्स बाय हरसेल्फ इज बेटर देन दैट ऑफ आयशा या देन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आयशा. तो इसलिए आपने चार्ली लिखना है, क्योंकि आप पॉइंट ऑफ व्यू को कंपेयर करें चीजों को नहीं. चार्ली इज राइट ऑप्शन. 29 ही एज वेल आईज आई रेज्ड ह्यू एंड क्राई एंड डिमांडेड एंड डिमांडेड. अब हमने ये पढ़ा था हिज राइट आएगा, क्योंकि एज वेल एज से पहले ही वहद है. अब प्रोनाउन भी ही के मुताबिक आना था, क्योंकि काउंट हमने एज वेल एज से पहले ही को किया है. हिज राइट, चार्ली ऑप्शन. 30 स्टेटमेंट द पुलिस अरेस्टेड मैनी राइटर हु वॉन्टेड टू क्रिएट अ मेहम बाय डिस्टर्बिंग देयर अपोनेंट्स.
अब मैंने आपको पता है कि बताया था कि मैनी राइट्स, मैनी आ राइटर, मैनी आ राइटर का उर्दू जमा ही है, लेकिन जब मैनी ए आ जाएगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, मैनी ए राइटर लिखा है, वहद है, तो फिर बेटा जी हिज अपोनेंट्स आएगा, डेल्ट ऑप्शन, देर की जगह हिज आना है क्योंकि राइटर एक है, तो राइट ऑप्शन डेल्टा इन क्वेश्चन नंबर 30. दैट वॉज ऑल आवर टूडेज टेस्ट. आई होप यू मस्ट हैव स्कोर्ड 30 out of 30. Thank you very much.